हाय एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी आज मैंने ये जो नया गाउन पहना है, ये देखिए, यस, रेड रेड कलर का नया गाउन है जो मैंने शॉप 101 से मंगवाया था और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। बहुत ही अच्छी फिटिंग है और समर के हिसाब से तो बहुत ही अच्छा है, देखिए, क्योंकि इससे गर्मी नहीं हो रही है बिल्कुल भी। अभी मैं खाना पका रही हूँ लेकिन फिर भी मुझे गर्मी नहीं हो रही है, तो मैं इसे फुल दिखाती हूँ आपको। बेसिकली मुझे सैटिन के गाउन जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं, क्योंकि दिखने में भी अच्छे दिखते हैं, है ना। और रेड कलर तो ऑलवेज अच्छा ही दिखता है। तो ये मैं हेड मसाज, कुकिंग, ये सब घर की काम जब करती हूँ ना, तो ये बहुत ही कंफर्टेबल होगा। तो ये एक्चुअली ऐसे नहीं था, ये मैंने भी यहाँ से स्टिच किया है। यहाँ पे, क्योंकि ये टू पीस में है, यानी ये एक अंदर का पीस है और ये एक बाहर का पीस है। तो अगर मुझे चाहिए तो मैं सिंगल ये पीस भी पहन सकती हूँ और ये डबल वाला है ये भी पहन सकती हूँ। तो इस तरीके से मैंने थोड़ा सा DIY किया है, देखिए, ताकि ये गाउन मैं दोनों तरह से पहन सकती हूँ। यानी ये सिंगल अंदर का जो है ये भी पहनूँगी कभी चाहिए तो, या फिर ये सेकंड जैकेट जो है ये पहन सकती हूँ। तो ये ओपन था, तो ये कुछ इस तरीके से था गाउन, देखिए, सेम टू सेम है। तो ये सेम टू सेम इस तरीके का गाउन है, देखिए, लेकिन मैंने इसे बीच में से ऐसे स्टिच किया है ताकि मैं ऐसे घर में भी कंफर्टेबली पहन सकूं इसे। ऐसा है, ये यहाँ से ओपन है, यानी ये, लेकिन ये ऐसे DIY करके मैं घर पे कभी भी कंफर्टेबली पहन सकती हूँ। है ना, और कुकिंग वगैरह करते हो इतना पसीना आता है ना, तो ऐसे कपड़े बहुत कंफर्टेबल है घर के काम करते वक्त ना। और ये धोने में भी इतनी ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होती, यानी सैटिन मटेरियल है, ऑयल के दाग वगैरह लगे तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं आता। तो अभी डिनर का प्रिपरेशन हो रहा है क्योंकि मैं डाइट कर रही हूँ स्ट्रिक्टली और मिसेस इंडिया कंपटीशन, सो उसके वजह से मैं कुछ भी बाहर का नहीं खा रही हूँ, कितने दिनों से बाहर का नहीं खा रही हूँ। तो मेकिंग दाल एंड रोटी, thank you.
ये है मेरा आज का खाना। मैंने बनाई है 2 रोटियां यानी फुलके और दाल, मसूर की दाल बस।